Congratulations, Simrat and Kamal. Wonderful results. She's got 7 in reading, she's got 7.5 in listening. Both have cleared with very good score. ये हमारा 12th का result है. मैंने आपको कल भी बोला था हमारे 12th के results बहुत अच्छे आए हैं. आपको मालूम है आपका सारा batch clear कर गया? Yes ma'am. कितने students थे पता है? Yes ma'am. 25. 25 के 25 students they all have cleared. And it is a very big achievement for students and for me both. अच्छा सिमरत मेरे को बता, how was your experience in this place? It was very good and I also learned so many things. अच्छा देखो reading में इतना डर लगता था, reading में 7 कैसे आ गए? आपकी skills. Reading में तो बहुत डरती थी. Yes. तो कैसे करी reading? हम आपने जैसे बताया था points. कीवर्ड्स ढूंढ के स्टेमन स्कैन करके वहाँ पे डर तो नहीं लगा? नो मैम. और आपको बेटे? मैम आपकी लिसनिंग की टिप्स बहुत काम की. जो आपने किया क्या था अभी, घर जाकर दोबारी कर कर फिर वो 3 बार रिपीट करनी है फिर आंसर्स देखने हैं, उसके कारण ही मेरे इतने स्कोर हो सके. देखो टिप्स अगर फॉलो करोगे तो स्कोर्स आ जाते हैं. एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट द राइटिंग्स? राइटिंग टाइम पे खत्म हो गई थी? यस मैम. कितनी पहले हो गई थी? मैम 5 मिनट पहले. 5 मिनट्स पहले आपकी भी? 10 मिनट्स पहले. आपकी तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई. आपने बोला था जैसे वो पहले फॉर्मेट जब बना कर करना है. अच्छा तो उसी फॉर्मेट बनाया था? मैंने वो बनाया था. दैट्स वेरी गुड. उसके बारे में मुझे बहुत हेल्प हुई. और टेम्पलेट्स भी लगाए बीच में? यस मैम, मैंने टेम्पलेट सारा यूज किया है. सारा यूज किया है बोथ साइड्स और वो फॉर्मेट भी यूज किया है. अगर बच्चे टेम्पलेट यूज करना आ जाए तो राइटिंग एक तो टाइम से पहले खत्म हो जाती है एंड सेकेंडली पॉइंटर्स बन जाते हैं. You start thinking point wise. और कोई ऐसी चीज तो नहीं थी राइटिंग में या स्पीकिंग में जो बाहर से आई और हमने ना की हो? No ma'am. पक्का? Yes ma'am. कोई भी ऐसा क्वेश्चन? No ma'am. चलो that is great. I'm very very thankful to you and to my God that they have given you such wonderful results. The complete batch has cleared. इसकी सबसे ज्यादा खुशी होती है. God really bless you both. Take care and stay safe. Thank you. Thank you.